हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, एक और न्यू रीडिंग के साथ मैं आ गई हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो रीडिंग करने वाली हूँ मैं, आप सभी लोगों के लिए टॉपिक है, जानेंगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं जो वो आपसे नहीं कह पा रहे हैं, जो भी बात है उनके दिल में, दिमाग में, जो वो आपसे नहीं शेयर कर पा रहे हैं, तो वही मैसेजेस यहाँ पर जानेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग बिना देर करे और देखते हैं क्या मैसेजेस आएंगे आपके पर्सन की तरफ से। शुरू करने से पहले गाइस बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ मैच हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप देखिए, मे बी आपके साथ ये रीडिंग प्रेडिक्शन मैच हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। कौन से मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन नहीं कह पा रहे हैं लेकिन उनके दिल और दिमाग में वो बातें हैं। कार्ड्स को पहले ठीक से शफल कर लेते हैं। एक कार्ड आ गया हमारे पास, टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, फूल। अभी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट दिख रहे हैं, मतलब साइन दिख रहे हैं यहाँ पर। वाटर एलिमेंट भी आ गया है, लेकिन एयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर भी आ गया है एंड अर्थ भी आ गया है। ओके, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन जो दिख रहा है ना, वो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस ही है। ठीक है, इसके बाद अगर कोई जोडियक साइन दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, तो वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। और टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर, और या वाटर एलिमेंट भी है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। तो क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के माइंड में राइट नाउ जो नहीं शेयर कर पा रहे हैं? कन्फ्यूज्ड है ये पर्सन, पहला ही कार्ड है यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का। कन्फ्यूज्ड है दो चीज़ों को लेकर राइट नाउ। देखो सच बताऊँ ना, मैं तो ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन एक तो मैरिज को लेकर कन्फ्यूज्ड है, दूसरा इस कनेक्शन को लेकर भी कन्फ्यूज्ड है। और कन्फ्यूजन है किस चीज़ में, आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, इस चीज को लेकर कंफ्यूजन है। ठीक है, कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, अभी रुककर थोड़ा सा और इंतज़ार करना चाहिए, या इंसान को अच्छे से परखना चाहिए, या फिर कमिटमेंट दे देनी चाहिए। इन दो बातों में बहुत उलझे हुए हैं। पहली बात तो मैं बता दूं कि आपके पार्टनर सोचते तो बहुत कुछ हैं लेकिन डिसीजन जल्दी से लेते नहीं हैं। पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर ने इस टाइम इस कनेक्शन को सरेंडर किया हुआ है। अगर वो आपको आपसे बहुत कम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्लियर है कि वो आपसे अभी बात करना चाहते नहीं हैं। पहली बात तो आप ये जान लें, ठीक है, क्योंकि अभी उन्होंने इस कनेक्शन को कर दिया सरेंडर। और सरेंडर करने के पीछे का जो रीज़न है मेन, वो ये है कि इनको लाइफ में चाहिए क्लियरिटी, काफ़ी हद तक मिल चुकी है, सो डोंट वरी। क्योंकि ये जो अभी जो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की, जिसके लिए आप पूछ रहे हैं, उनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, उनकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, ऐसा दिख रहा है। और वैसे ये पर्सन आपको लगातार स्टॉक कर रहे हैं। गाइस एक चीज़ है, अगर कन्फ्यूजन है यहाँ पर, कन्फ्यूज्ड है अगर आपके पार्टनर, तो आपको ये अपनी विश भी तो मानते हैं ना, खुशियाँ भी तो मान रहे हैं आपको, ये चीज़ भी तो है। लेकिन रियलिटी बताना मेरा काम है। जिनके भी साथ ये रीडिंग मैच होगी अच्छी बात है, जिनके साथ नहीं हो रही तो वो अभी भी छोड़ दें इसको बिल्कुल, ठीक है, फोर्सफुली ना देखें। देखो क्लियर दिख रहा है अभी की सिचुएशन आपकी कनेक्शन की टफ है, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन अभी सरेंडर कर चुके हैं। और जब कोई इंसान किसी चीज़ को सरेंडर करता है तो वो उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। अब आप इस बात को लेकर हर्ट हो कि आपके पार्टनर बात नहीं करते, कुछ कहते नहीं हैं,
कभी कर ली बात, मन में आया तो कर ली, बट मेरी फीलिंग्स की कोई पड़ी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर अभी आप करोगे तो फिर आप भी अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि इस पर्सन ने तो सरेंडर कर दिया कनेक्शन। लेकिन मैं इतना बता देती हूँ आपको कि इसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसकी लाइफ में क्लैरिटी मिले। और ज़्यादा मुझे जो मैं जो देख पा रही हूँ प्रेडिक्शन में, वो यही आया है कि इनको 80% तक तो क्लैरिटी है, 20% कन्फ्यूज्ड है ये बस। क्योंकि मन में आ रहा है रिकन्सिलिएशन के लिए, मन में आता है, ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। इनको लगता है जितना ये मैनिफेस्ट करेंगे, जितना ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, उतना ज़्यादा इनको क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में। और वही चीज़ कर रहे हैं आपके पार्टनर अभी, ठीक है। देखो दो दो मैरिज के कार्ड हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बात अभी मैरिज का भी इनके माइंड में आ रही है, मैरिज की बात इनके माइंड में आ रही है, ठीक है। ये बातें हैं लेकिन कन्फ्यूजन में है कि अभी कमिटमेंट दें या थोड़ा सा रुक कर दें। मैं ये नहीं बोलूँगी कि किसी और पर्सन को लेकर सोच रहे होंगे कि शादी किसी और से कर लेंगे, ऐसा नहीं आ रहा इनके मन में, ऐसी बातें नहीं हैं। लेकिन बातें ये हैं कि आपसे भी अगर शादी करनी है तो अभी रुक के करनी चाहिए या फिर एकदम से कमिटमेंट दे देनी चाहिए। तो अभी सरेंडर कर दिया है कनेक्शन, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी के साथ, और जो भी इनके खुद के डाउट्स हैं या जो भी इनसिक्योरिटी इनके अंदर है वो निकलना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आपका देखो डिवाइन कनेक्शन है तो जब तक आप प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती आपकी, आपकी शादी नहीं हो पाएगी ना, आपका यूनियन नहीं हो पाएगा। शादी तो एक चलो समाज के लिए होती है, समाज में कि हाँ भाई आपका यूनियन हो गया, लेकिन सोल का भी यूनियन होना बहुत ज़रूरी है, सोल का मर्ज होना आपस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें तभी होंगी जब आपकी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी, क्योंकि आपकी ना यहाँ 3D में शादी तो होती है लेकिन उससे पहले आपकी सोल मर्ज होती है। अगर आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो वहाँ तक तो पहले पहुँचो कि आपकी सोल मर्ज हो जाए, आपकी सोल का यूनियन हो जाए सबसे पहले। तो वो तभी हो पाएगा जब सारे आपकी हीलिंग हो जाएगी अच्छे से, आपकी जो भी डर है, फियर है, एन्जाइटी है, ठीक है, ग्रीफ है अगर आप में, या फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है या इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तो ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है अपने माइंड से, तभी यूनियन हो पाएगा। तो इसीलिए ये मेहनत ही कर रहे हैं। देखो चाहते तो ये भी यूनियन ही है, या आप चाहे किसी लड़की के लिए पूछ रहे हैं या लड़के के लिए, लेकिन ये इनको भी यूनियन ही चाहिए, इनको भी रिकन्सिलिएशन करना है आपके साथ। लेकिन इनको भी पता है कि मेहनत करनी है तभी जाके कनेक्शन में कुछ आगे हम बढ़ पाएंगे, वरना तो फिर जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसीलिए सरेंडर किया हुआ है कनेक्शन। क्लियर दिख रहा है अभी इस पर्सन की लाइफ में ना कन्फ्यूजन है, और थोड़ा अकेलापन भी बहुत, मतलब डरे हुए से तो दिख ही रहे हैं। रिलीज योर एक्स एंड वर्थ वेटिंग फॉर। यस, कोई दूसरा तीसरा पर्सन तो यहाँ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये रिलीज कर चुके हैं अपने एक्स को और आप ही का वेट कर रहे हैं और अपना इनर वर्क कर रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले कर रही है आप दोनों की लाइफ में वेडिंग। थर्ड कार्ड आया ये वेडिंग का, इनके दिमाग में ना आ रहा है शादी का ना आ रहा है, लेकिन ये सोच, देखो इनको ना मुझे अब ऐसा दिख रहा है, इनको ऑर्डर मिला है ये डिवाइन से कि आप वेट करो, अपना पिछला जो भी है उसको रिलीज करो, अपनी पिछली एनर्जी जो भी है, मतलब एक्स के साथ जो भी यादें या जो भी एनर्जी बची हुई है उसको रिलीज करो, क्लीन करो, ठीक है, और वेट करो अपनी वेडिंग आने का, अपनी वेडिंग की जो टाइमिंग है उसका आने का वेट करो। इनको डिवाइन से ही ऑर्डर मिला है, तो ये डिवाइन गाइडेंस में है, ठीक है, अपने डिवाइन जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको डिवाइन के ऑर्डर को तो मानना ही पड़ेगा, आपको भी मानना पड़ेगा, दोनों को मानना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये आपको नहीं बता पाएंगे ना ये सारी बातें अभी। तो शादी के लिए तो ये थर्ड कार्ड आ गया और यहाँ पर वर्थ वेटिंग फॉर है, इट मीन्स आप दोनों एक दूसरे का वेट कर सकते हो। तो इनको ना अभी यही ऑर्डर मिले हैं कि जो भी एक्स के साथ जो भी एनर्जी है या कोई भी कनेक्शन है छोटा मोटा या फ्रेंडशिप का भी, वो भी इनको रिलीज करना पड़ेगा,
बिल्कुल एनर्जी क्लियर और क्लीन करनी पड़ेगी और वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक इनकी हीलिंग नहीं हो जाती। डिवाइन तो कह रहे हैं वेट करने के लिए, तब आपको एक नया मौका मिलेगा इस कनेक्शन में आगे बढ़ने का। लर्निंग एंड फॉरगिविंग, तो देखो लेसन्स चल रहे हैं, सीख रहे हैं। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, देखा इसी के नीचे आया ये कार्ड, रिलीज योर एक्स। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। इनको पता है जब तक ये पुराना रिलीज नहीं करेंगे ना अच्छे से, ठीक है, तब तक ये अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक से जी नहीं पाएंगे। डर, फिक्र, टेंशन बनी रहेगी इनके माइंड में। तो ये अभी इसी लेसन में है अभी गाइस। डिवाइन लेसन जो अभी इनका जो करंट है वो यही है कि दूसरों को भी माफ़ करना है, बहुत कुछ सीखना है और अपनी पास्ट एनर्जी जो भी है इनके बैड एक्सपीरियंस उनको भुलाना है। तभी डिवाइन कह रहे हैं वेट करो, आपको नया मौका मिलेगा, दोबारा से मौका मिलेगा। बहुत क्लियर यहाँ पर बातें निकल कर आई हैं, बहुत क्लियर। रिकंसिलिएशन, द फूल एंड रिकंसिलिएशन एक जैसे कार्ड है। वेडिंग हो जाएगी, रिकंसिलिएशन हो जाएगा। वाओ गाइस, बहुत ज़्यादा जो कार्ड है ना वो सीक्वेंस में आए हैं और एक के नीचे एक मतलब कनेक्शन बन रहा है कार्ड्स का। देखो वेडिंग, रिकंसिलिएशन यानी कि यूनियन, ठीक है, पॉसिबल है। ये आपका होगा सोल का रिकंसिलिएशन, सोल का यूनियन, ठीक है। और यहाँ पर आपकी रियलिटी में 3D वर्ल्ड में शादी होगी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। डिवाइन आपको कह रहे हैं वेट करो, आपको दोबारा से न्यू जर्नी स्टार्ट करने का मौका मिलेगा। और ये इनका लेसन है जो ये सीख रहे हैं अभी, दैट इज़ वाई इन्होंने सरेंडर किया है कनेक्शन को। ये सारी बातें इनके मन में हैं, इनके माइंड में है, ये आपको कह नहीं पा रहे हैं ये सब कुछ। समझ रहे हैं आप, दोनों डिजर्व करते हो इस लव को, यू आर लवेबल, दोनों आप डिजर्व करते हो एक दूसरे के प्यार को। सो डोंट वरी, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर ज़्यादा फोकस करें राइट नाउ और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है। और अगर कभी कभी कनेक्शन में ब्रेक आ जाता है या फिर थोड़ा सा आपको एक सेपरेशन मोड में जाना पड़ता है, तो ये एक मौका होता है, ठीक है, एक अवसर होता है कि आप कुछ हील करने वाले हैं, आप कुछ सीखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ उदास ना होके खुद पर काम कीजिए जितना हो सकता है। देखो आपके पार्टनर बिल्कुल सही डायरेक्शन फॉलो कर रखा है, अभी कनेक्शन को सरेंडर करके अपना इनर वर्क कर रहे हैं, सो दैट वो जल्दी जल्दी अपना कर्मा या जो भी लेसन है इसको सीखेंगे एंड देन यूनिवर्स आपको मौका देंगे यहाँ तक आने का। बहुत क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, सही जा रहा है, सब कुछ सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो बहुत अच्छी बात है। फोर्सफुली रीडिंग एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन निकल कर आया है डिवाइन कनेक्शन निकल कर आया है, ठीक है, रियल ट्रू लव जिसे कहते हैं। अब ट्रू लव में कितना स्ट्रगल डिवाइन ने डाल दिया तो वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, आपको सिचुएशन बता दी। अगर आपकी सिचुएशन के साथ मैच करती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो है पर्सनल नहीं है, जनरल है, ओके। तो किसी के साथ मैच कर सकती है, किसी के साथ नहीं कर सकती, किसी के साथ कुछ पार्ट मैच कर सकता है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन को ज़्यादा फॉलो करें जब भी आप ये गाइडेंस देखते हैं, ओके। एक बार मैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है ये भी पता कर लेते हैं, ठीक है। राइट नाउ डिवाइन क्या बोलेंगे आपको, ओके। मास्टर जीसस, फॉरगिवनेस, आप ज़्यादा से ज़्यादा ना माफ़ करने में बिलीव करो इस टाइम, ठीक है, तभी आपकी लाइफ में कुछ मिरेकुलस चेंजेस हो सकते हैं। आप माफ़ करने में बिलीव करो, आपको जो कर्मा अब करना है, आप भी अच्छे ही पाथ फॉलो कर रहे हो, आप भी राइट डायरेक्शन में होगे। वैसे आपके बारे में इतना निकाला नहीं मैंने, क्योंकि आपके पार्टनर के बारे में ही जानने की कोशिश की है। अब देखो आपसे मास्टर जीजस क्या बोल रहे हैं, यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस, फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। फादर यानी कि जीजस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपकी हीलिंग में, अगर आप सबको माफ़ करते हुए चलें, अपने ऊपर से ये बर्डन हटा दें, ठीक है, ये हेट का, नफरत का, ठीक है, सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाएं।
और होली स्पिरिट आपसे कह रहे हैं कि मिरेकल हो सकते हैं लाइफ में अगर आप प्यार को ही सच्चाई माने, प्यार को सच्चाई माने, ठीक है। तो मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, तो ये नेचुरली होगा आपकी लाइफ में, और स्पिरिट तो आपके साथ है, बिल्कुल है, नो डाउट, आप अकेले नहीं हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे, सो डोंट वरी, डिवाइन आपके साथ हैं। अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, अच्छे काम करने की कोशिश करो, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करो, तो अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे आप। ओके, दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अभी के लिए बस इतना ही, बाय, टेक केयर।